अच्छा ये बताओ, मिर्ची मुंह के अलावा और कहाँ कहाँ लगती है? सच में बता दो। गांड में। गांड में कहाँ पे लगती है? गांड में। जिसे करते समय लड़कियाँ बहुत चिल्लाती है और लड़के खामोश रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लवण्या। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लवण्या, तो आपसे देखो दो चार क्वेश्चन करूंगा, जिसके फनी फनी क्वेश्चन देंगे और फनी फनी आंसर देने। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अच्छा ये बताओ, मिर्ची मुंह के अलावा और कहाँ कहाँ लगती है? बताओ मिर्ची मुंह के अलावा और कहाँ कहाँ लगती है? मैं नहीं बताऊंगा। तो देखो खुल जाओ, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बोल दो। शर्माना बिल्कुल भी नहीं, जो मन में आए, जो मूड में आए, जो दिमाग में आए, फट से बक दो। आँख में? झूठ, झूठ बोल रही है तू। आँख में? खाते मुँह से हो आँख से? वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अरे नहीं बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ओपन नहीं बोल दो उसका, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, ओपन बोल दो। मिर्ची मुँह की जगह जलने वालों की? नहीं ओपनली बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बोल दो जो मन में आ रहा, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। की जगह कहाँ कहाँ? हाँ, मिर्ची मुंह के अलावा और कहाँ कहाँ लगती है? प्यारी समझ गई। जलने वालों की, मतलब भाई जलने वालों की कहाँ पे लगती है गाइस, बताना जरा। मेरी ऑडियंस चाह रही है, क्योंकि मैंने दो चार बार लोगों से ही क्वेश्चन कर लिया, पर वो कह रही है अभी तो कोई ओपनली नहीं बोल पा रहा है, एक बार खुल के बोल दो कहाँ लगती है, बता दो यार तुम आज। सच में? छत पे? सच में बता दो। गांड में। गाइस बोल दिया इन्होंने, देखो भाई ये चीज सच है भाई। नहीं नहीं इधर आओ, इधर भाग कर रहे हो, इधर तो सच में वहीं लगती है यार। आंसर ये नहीं था, वैसे वहाँ भी लगती है लोगों के, वैसे मिर्ची खेत में लगती है। मेरी मिर्ची रुको, बहुत तेज हो रहे हैं। अच्छा मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, ये बताओ कि कौन सी चीज है जिसे करते समय लड़कियां बहुत चिल्लाती है बहुत ज्यादा और लड़के खामोश रहते हैं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का? बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे करते समय लड़कियां बहुत चिल्लाती है और लड़के खामोश रहते हैं? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। करवाते समय, जिसे करते समय लड़कियां बहुत चिल्लाती है और लड़के खामोश रहते हैं करते समय लड़कियां बहुत चिल्लाती है और लड़कियां खामोश और लड़के खामोश रहते हैं? टैटू? नहीं। दर्द वाली चीज है ना, तो भाई देख लो, बता दो, इजी क्वेश्चन है बहुत। ऐसी शादी के बाद होगा वैसे आपके साथ भी, बड़ा हरामी हो बेटा। इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई गलत थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। लड़कियाँ बहुत चिल्लाती है और बंदा सामने वाला खामोश रहता है, बिल्कुल। विदाई शादी के बाद विदाई तो होती है। मतलब लड़की की विदाई करवाओगे तुम? अच्छा, लड़का खामोश रहता है। लड़का खामोश रहता है, लड़कियाँ बहुत चिल्लाती है। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लड़कों के साथ भी होती है वो चीज़ है? हाँ ये नहीं कई बार ऐसे आया था, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ ही होती है। लड़कों के साथ? हाँ, अगर आप जैसी लड़की हो तो। आप जैसी लड़की होती? मतलब बता रहा हूँ, हैंड दे रहा हूँ, देखो बहुत इजी है, होते रहता है अक्सर घरों में भी, होते रहता है वैसे जहाँ पे एक कपल वगैरह होते हैं तो। ऐसा क्या होता है? बता दूँ यार, झगड़ा स्टार्ट करो यार, इजी क्वेश्चन नहीं बता पा रही यार तुम। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन कैसे लगा? बहुत अच्छा। अच्छा वैसे गलत दिमाग में तुम्हारे बहुत सारी चीजें आ रही थी, वैसे अभी से आ रहे, शादी के बाद तो सारी चीज तुम कर ही दोगे वैसे। नहीं करना। चलो हाँ, वैसे क्वेश्चन कैसे लगा मेरे ऑडियंस को बता दो एक बार। अच्छे लगे तो बोल दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक वैसे आप मुझे करना, ठीक है।